Welcome back to my channel Shine with Nancy. So if you are new to my channel, let me tell you, I make videos on makeup, hair care, skin care, fashion and sometimes food recipes also. So if you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And today I will be sharing with you review and demo of eyebrow pencil. And I know there are so many products available in the market that will make your eyebrow fuller, thicker and in a perfect shape. But today this video is purely for those who are still comfortable in using eyebrow pencil to draw their eyebrows perfectly. So without further ado, let's start. So first eyebrow pencil is grey one. This is the eyebrow pencil and iski price hai rupees 49 aur iska jo brand hai wo hai Swiss Beauty. So aap kisi aur brand ka bhi le sakte hain, zaruri nahi hai same, but jo iski mujhe bahut achhi cheez lagi wo ye hai ki jo iska आप देख सकते हैं टॉप पे जो आईब्रो ब्रश दिया हुआ है शेप करने के लिए, ये सबसे बेस्ट थिंग है इस आईब्रो पेंसिल की। इसका शेड ग्रे है और जो सेकंड वन है वो है ब्राउन एंड काइंड ऑफ लाइट चॉकलेटी। सेम इसके साथ भी सेम यही ब्रश है टॉप पे और इसकी प्राइस भी सेम 49 है बट शेड डिफरेंट है। सो आई सजेस्ट कि जब भी अपने आईब्रो पेंसिल लेनी है सो मेक श्योर कि आप ब्लैक ना परचेज करें, क्योंकि जो ग्रे है वो ऑलमोस्ट ब्लैक आईब्रोज के लिए बहुत परफेक्ट है और जिनकी थोड़ी लाइट शेड है या हल्की सी ब्राउनिश शेड में आता है उनके लिए ब्राउन शेड ओके है, ब्लैक तो नो नो बिल्कुल भी नहीं। सो मैं अपने आईब्रोज पे ट्राई करूंगी ग्रे वन। सो इसे ओपन करके देख लेते हैं, ये है ग्रे शेड। सो अब इसे अप्लाई करने की जो मैं प्रो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूं वो आपके इस सारे डिफिकल्ट काम को बहुत इजी कर देगा। सो प्रो टिप ये है कि जो इसके टॉप पे देख रहे हैं आप ब्रश दिया हुआ है आईब्रो ब्रश, हम इसे यूज करेंगे, हम डायरेक्ट पेंसिल नहीं अप्लाई करेंगे अपने आईब्रोज पे। इन केस अगर आपके पास नॉर्मल जो ट्रेडिशनल हम पहले से यूज कर रहे हैं वो है सो उसकी जगह पे मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि एक सेपरेटली मिलता है इसका ब्रश जो कि मुझे अभी नहीं मिल रहा है। सो वो ये है जो नॉर्मली मतलब बड़ा जेन्युइन प्राइस में आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा इस टाइप का, अगर आपको पेंसिल के साथ नहीं मिल रहा है। तो अब मैं इसके साथ आपको दिखाऊंगी कैसे मैं फिल करूंगी अपनी आईब्रोज। सो जस्ट ये जो है इसका टॉप, इसको आप इस पे अप्लाई कर लीजिए। आप पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका काफी प्रोडक्ट उस पे ज्यादा होता है लगा हुआ, तो वो आप डायरेक्टली अगर यहाँ लगाएंगे तो वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल दिखेगा। सो इट्स बेस्ट कि आप इसे साइड पे ज्यादा शुरू करें। पहले तो अपनी आईब्रो दिखा देती हूँ कि कहाँ पे मैं इसको फिल करने वाली हूँ। ये देख रहे हैं ये वाली लाइन पूरी फिल करनी है, जो ये वाली लाइन है ठीक है। तो ये ब्रश यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, हल्का हल्का सा ब्रश इस पे अप्लाई करना, देख सकते हैं आप हल्का हल्का सा करना है, ज्यादा डार्क नहीं करना है हमने, हल्का सा और यहाँ पर भी थोड़ा सा है ठीक, थोड़ा सा इसको ना टिल्ट कर दीजिए, थोड़ा सा टिल्ट, इसको ऐसे ऐसे नहीं करना है हमने, इसको हमने ऐसे ऐसे करना है
फिर एक स्ट्रोक देना ऊपर की तरफ, एक लाइन ड्रॉ जाए। ये मेरी नेचुरल है और ये मैंने ड्रॉ की हुई है, और वो भी कितने आराम से। ये भी नहीं कि प्रोडक्ट ज्यादा कहीं लग गया कहीं कम लग गया, इक्वली ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है, देख सकते हैं। कितनी ईजली मैंने आईब्रोज अपनी ड्रॉ भी कर ली। सो आपको क्या करना है फिर, जैसे मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको इसको थोड़ा सा क्या करना है, फिर एक क्लीन लुक, एक परफेक्ट शेप देने के लिए आपको जस्ट कंसीलर अप्लाई करना है। आप नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर आपने मेकअप किया तो इट्स बेटर कि आप कंसीलर भी अप्लाई करें। तो मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर, मेबलिन का यूज कर रही हूँ, आप कोई और भी ट्राई कर सकते हैं। जस्ट इसको एक थोड़ा फिनिश लुक इसकी अच्छी करने के लिए अपने अप्लाई करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो गाइज आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू डू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड वन मोर थिंग, इफ यू वॉन्ट मी टू अपलोड अ वीडियो ऑन हाउ टू ग्रो योर आईब्रोज thicker and fuller, so let me hear in the comments. So guys, take care, stay home, stay safe. See you in the next video. Bye bye. I see it, I like it, I want it, I got it, yeah, I want it.